कुछ रीत जगत की ऐसी है। सही बात है आपकी। आ गई हमारी विशाखा। आओ विशाखा, यहाँ आके बैठो। विनीत बैठो बेटा। शाबाश हितेश भाई, मैंने विनीत को पूरी आजादी दे रखी है, क्योंकि मुझे इस पर पूरा भरोसा है कि कभी कोई गलती कर ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन पहली बार कोई गलती करने वाला था। तुम ही हो नरेन, हो ना जिसने? हाँ अंकल, नरेन रतन सिंह, इनके वजह से विनीत जी को समझाया कि वो घर वापस आ जाए और ऐसे भागकर नहीं जाना चाहिए, इन्होंने ही समझाया। वैसे विशाखा हमें बहुत पसंद है और हम इसे बड़ी धूमधाम से बहू नहीं बेटी बनाकर लेके जाएंगे। बस थोड़ी तैयारियों का समय मिल जाए हमें। पता नहीं बहन जी, तैयारी के लिए समय मिल पाए या ना मिल पाए। क्यों? क्योंकि पंचांग के अनुसार कल ही लग्न का अच्छा मुहूर्त, और उसके बाद 4 महीने तक कोई मुहूर्त नहीं। अरे तो भाई साहब, 4-5 महीने बाद शादी कर लेंगे। नहीं नहीं, देखिए अशोक भाई, बात बिगड़ते बिगड़ते बच गई, तो अब हम देर ना करें तो अच्छा है। ठीक है, जैसा आप कहें। ना हमें कोई दहेज चाहिए और ना ही आपसे कोई सौगात। आपको रस्मों की तैयारी करने के लिए जितना समय चाहिए आप ले लें। तो फिर ठीक है, किचन का सारा काम मणि और नंदिनी मिलके सब लोग संभाल लेंगे और मैं और मितेश बाहर का सब देख लेंगे। बिल्कुल, वो कल शादी है तो फिर आज रात को ही मेहंदी की रस्म रख लेते हैं। हाँ। क्यों मणि बहन? हाँ हाँ। कौछू, मेहंदी तो विशाखा को लगने वाली है ना, लेकिन रंग तो नंद कहीं भी शुरू हो जाती हो ना। नाश्ता लो ना, एक मिनट, पहले मुंह मीठा करवाता हूँ मैं अपने हाथ से। हाँ ये लीजिए। आप भी लीजिए, आप भी लीजिए। अरे अरे बेटा, आप लीजिए ना। हाँ समूह लग्न के बाद सुजान भाई आए थे मिलने, अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आए थे नरेन के लिए। अच्छा, तुम तो जानती हो कि उन्होंने अपना बिजनेस कितना बढ़ा दिया है। लोग कहते हैं बहुत कम समय में बहुत ज्यादा पैसा बना लिया उस परिवार ने। नहीं कुछ, इकलौती बेटी है, इतना देकर आएगी कि नरेन की 7 पीढ़ी बैठकर खाएगी। नाम और दाम तो है ही, रहा सवाल मान का, वो तो हमारे परिवार के साथ जुड़कर बढ़ ही जाएगा। मौका गंवाना नहीं चाहिए। चल चल। नरेन के आते में उसे बात करती हूँ।
पंडित जी लेके आ गए आपका सामान। ये रही आपकी विधि की थाली और ये गेंदे के फूलों की थाली। यजमान अब आप इसको वहाँ से यहाँ रख दीजिए। बिल्कुल रख देते हैं पंडित जी, लाइए। नरेन जी हाथ दिखाइए। बहुत जल रहा है। हाँ बहुत जल रहा है। आग अभी हवन में लगी नहीं और आप दिल जला बैठे। पंडित जी जाइए कन्या को मनाइए। नंदिनी। हाँ हाँ मैं किसी को भेज रही हूँ, आप बस पाने तक तैयार रखिए। नंदिनी बेटा सुनना, सुंदरलाल साड़ी वाले के पास जा, वहाँ पर विशाखा का पाने तर है, उसे लेकर आ। हाँ देख हल्दी के बाद नहाकर उसे वही पहनना है, मेहमान भी आते होंगे। भागी ने जा। हाँ जाऊ छू। यजमान धन्यवाद पंडित जी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। नंदिनी 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 आप कुछ भूल रही हैं। नरेन जी अभी मेरे पास मजाक करने का बिल्कुल वक्त नहीं है, मुझे पानी तर लेने जाना है, मुझे जाना है। नहीं नहीं मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप वाकई में कुछ भूल रही हैं। क्या भूल रही हूँ? आप ये अब जाऊं? नहीं आप एक और काम है, क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकती हैं? लिफ्ट? जी आपको वाकई कहीं जाना है इसलिए लिफ्ट चाहिए या लिफ्ट चाहिए इसीलिए कहीं भी जाने के लिए तैयार? वैसे तो मैं आपके साथ में कहीं भी जाने के लिए तैयार, लेकिन फिलहाल मुझे मार्केट जाना है। वो क्या है ना, ये कपड़े मुझे ये हितेश काका और शीतल काकी ने दिए हैं, अब शाम को शादी है और मेरे पास में कपड़े नहीं है पहनने के लिए। तो आप मार्केट जा ही रही हैं, मैं आपके साथ चलता हूँ, मैं भी मार्केट से कपड़े ले लूंगा। ठीक है आइए बैठिए। आप मेरी कार में भी चल सकते हैं। आपकी गाड़ी से जाएंगे ना तो ट्रैफिक में अटक जाएंगे, मेरी स्कूटी से चलते ना यूं हो जाएंगे यूं आएंगे। बिल्कुल सही बात कही आपने। आइए जी। हेलमेट जी। ले भाई। अरे हाँ मुझे शुभ विवाह विशाखा। बिल्कुल थैंक यू तो इतना जल्दी आ गया, बहुत बहुत शुक्रिया। विशाखा की शादी है, जल्दबाजी क्या, तुरंत आ गया, आपका फोन आया। वैसे दो दिन बाहर क्या गए तो एकदम सब एकदम बदल गया है। विताबा का मुझे फोन आया तो मैं एकदम टेंशन में आ गया, मतलब ये क्या हो गया सब, पर जो हुआ अच्छा हुआ। नहीं है नरेन भाई ने कमाल कर दिया है बाकी। हाँ भैया बहुत कुछ काम बाकी है। चल चल हाथ बता मेरा और सुन मेरी बात सुन। ये लीजिए सर, ये तो आप पे बहुत बढ़िया लगेगा। ये वाला नरेन जी। जी अब तक आपने कपड़े नहीं सिलेक्ट किए। नंदिनी मेरे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, वो क्या है ना कि हमेशा माँ ने मेरे लिए कपड़े लिए ना, आप मेरी हेल्प कीजिए ना। मैं? हाँ अब इफ यू कैन। ये निकाला आपने? मुझे ना ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा है ना। यू लाइक इट? डन। भैया इसको पैक कर दीजिए। जी बिल्कुल। ये आप सब संभालिए, मुझे जाना है शीतल काकी के पास, ये दीजिए मुझे जल्दी।
चल भाई चले जल्दी झड़प गलत समझ बैठा है और यहाँ माफ करना। अरे मेहुल भाई आपने तो गलत समझा, मैं तो गलत करने जा रहा था, हाथ में बैट और चेन लेकर आपको मारने जा रहा था। नरेन भाई मुझे माफ कर देना। अरे क्या कर रहे हैं आप दोनों, हाथ हाथ नीचे, हाथ नीचे करिए। आप दोनों को पता है ना कि अंदर कितना काम है हु? और अभी ये वक्त नहीं है बातें करने का, ठीक है? चलिए अंदर काम करिए। चलिए हाविनी। नरेन जी एक रिक्वेस्ट थी आपसे। अरे रिक्वेस्ट क्या, आप तो ऑर्डर कीजिए, कहिए। एक्चुअली मेरे जीजा जी आउट ऑफ कंट्री रहते हैं और यहाँ ये सब कुछ इतना जल्दबाजी में हो गया कि उन्हें आने का टाइम ही नहीं मिला। तो क्या प्लीज आप आ सकते हैं? और वैसे भी नरेन आपसे बेहतर बेस्टमैन मुझे कहाँ मिले। अरे विनीत भाई ये तो आपने मुझे धर्म संकट पे डाल दिया। नहीं वो क्या है ना कि मैं लड़की वालों की तरफ से है। हाँ मुझे पता है कि आप लड़की वालों की तरफ से, पर मेरे बेस्टमैन के बिना यहाँ से बारात नहीं निकलेगी। अच्छा तो आप एक काम करिए, आप रेडी हो जाइए, मैं वहां आ रहा हूँ। थैंक यू सो मच नरेन, मैं वेट कर रहा हूँ आपसे। जी जय श्री कृष्ण। ए नरेन भाई। हाँ जी। वाह वाह जच रहे एकदम टिप टॉप। थैंक यू। मेरा कैसा है? बहुत सरस। वाह कहाँ जा रहे हो? अरे वो क्या है कि वो विनीत का कॉल आया था, वो कह रहा था कि आप हमारी तरफ से बारात में शामिल हो जाइए। पर आप तो लड़की वालों की तरफ से होने। अब नहीं भाई आप तो जानते हैं मैं मना तो नहीं कर सकता। वो तो आपको आता ही नहीं है। नहीं मजाक कर रहा हूँ, आप जाओ। अच्छा सुनिए कुछ भी काम हो मुझे फट से आप कॉल कर दीजिए। ठीक है चलिए मिलता हूँ। आओ जाओ जय श्री कृष्ण। नरेन भाई का कहना पड़े है, बाकी ना लड़की वाले की तरफ से ना लड़के वाले की तरफ से, पर दोनों की खुशी में शामिल है। एज जाए या टेज क्या फर्क पड़ता है? जब सिक्का पोते कंप्लीट सोने का है। नरेन जी को ढूंढ रही है? नहीं तो चल ज्यूटी।
रुक जाओ। क्या बात है बहन जी? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.